अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मोहिब अलीज़ फैमिली वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम दोबारा आपको स्टेशन ही लेके जा रहे हैं। वहाँ का हमने आपसे कहा था कि इधर स्टेशन दिखाएंगे, वहाँ का जो रेस्टोरेंट था। तो दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था अपना ब्लॉग। और आज हम आपको द स्टेशन रेस्टोरेंट के दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो चलते हैं और इंटर होते हैं स्टेशन के अंदर। तो जी जनाब, ये रेस्टोरेंट जो हमें बाहर से बोगियाँ स्टेशन के बाहर नज़र आती हैं उनके अंदर बनाया गया है। तो जनाब, हम लोग इंटर हो चुके हैं स्टेशन के अंदर। इंटर होते ही ये आपको राइट साइड पे इंजन खड़ा हुआ नज़र आता है। और अब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा कर दिए गए स्टेशन को, काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह हो गई है, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो गया है स्टेशन पे। जब हम स्टेशन में दाखिल होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे ये नया रेस्टोरेंट बनाया गया है जो द स्टेशन के नाम से है। तो हमने भी फर्स्ट टाइम संडे के दिन ही देखा था ये, और हम लोग अपना खाना लेकर आए थे, इस वजह से हमने खाना नहीं खाया वहाँ का। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो हमने आपके लिए बनाई है वहाँ की एक छोटी सी वीडियो। तो जी, यहाँ का पार्किंग एरिया और यहाँ काफ़ी रश है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। तो अभी हमारी खड़ी हो गई यहाँ पर गाड़ी। और स्टेशन पे क्यों आए हैं ये हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में आपको। और पार्क हो रही है हमारी गाड़ी, चलो भाई आ जाओ। तो जी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं द स्टेशन रेस्टोरेंट। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। आपको जो जितने भी लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं सब वेटिंग के लिए पे खड़े हुए थे, इतना रश था कि जगह नहीं थी। और जनाब, ये रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला हुआ है, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। स्टेशन अभी मोहित थोड़े से इधर आओ, इधर आओ, बीच में लिखा हुआ आएगा ना। अब ये थोड़ी सी इधर हो, अब ये थोड़ी इधर हो, इधर फिंगर देख रही हो, मेरी फिंगर दिख रही है, इधर हो, और इधर बस सही है, नाइस करो, नाइस करो, ये लाइक हो जाते हैं, अभी मुझे बनाने हैं दो टिक्के, बन रहे टिक्के बन रहे हैं। जी ये पूरी बोगी है, बोगी के अंदर बनाया गया है, सारा इंतजाम किया गया है, बाहर जी तपत लगे हुए हैं और लाइट यहाँ पर बुकिंग हो रही है। और ये कितने, यानी कि 24 घंटे खुला हुआ है या 24 आवर? हाँ, कोई खाली नहीं है। कब से शुरू हुआ जब? अप्रैल में। समा सट्टा लिखा हुआ है।
बहावलपुर और ये क्या लिखा है शुजाबाद मुल्तान कैंट ये देखिए हैंड वॉश के लिए भी रखा हुआ है आपके आप लोग हैंड वॉश भी कर सकते हैं नहीं थोड़ी देर में पहन लेना यहाँ बन रहा है जी जूस यहाँ जी बन रहे हैं जूस अच्छा जी चिकन कोयला कढ़ाई है चिकन राइस है सिंगल बर्गर है चिकन शोरमा है क्लब सैंडविच है और बिरयानी भी है हाँ वो क्या है 24 घंटे दीवार पे बोला भी यहाँ के चक्कर लगा यहाँ के चक्कर लगा कर तो जनाब ये अंदर से बोगी के थोड़ी सी वीडियो बनाई है क्योंकि रश की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि फैमिली पैकिंग ही थी अंदर इसलिए हमने सिर्फ दीवारों की आप लोगों की छोटी सी वीडियो बनाई कि काफ़ी अच्छी और कलरफुल उन्होंने अंदर से बोगी बनाई है और एसी का इंतज़ाम है यहाँ बैठ कर आप आराम से जनाब डिनर करें और बाहर रोड के नज़ारे देखें ट्रेन से काफ़ी अच्छी और साफ सुथरी थी बोगी बनाई है और काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट देख के लग रहा था कि खाना अच्छा है काफ़ी रश है यहाँ पे और आपको ये सहूलत है कि 24 घंटे आप नॉन स्टॉप के लिए भी आके या खाना खा सकते नहीं नहीं आ गया बोला भाई मैंने बुक कराया था मैंने कहा नहीं भाई मैं वेटिंग थी तो जनाब इस वक्त बन रही है यहाँ पे लाइव कढ़ाई और यहाँ पे गोश्त का भी इंतज़ाम है ताज़ा ताज़ा फूल खाने
आपके सामने पहुँच दिया जाता है पढ़ाई के लिए। जी बने यहाँ पे मज़ेदार से पढ़ाई, आप आपको ना अंदाज़ा हो गया होगा कितनी पढ़ाई है, सब चढ़ी हुई सब कोयले पे बनाई जा रही है यहाँ पे कढ़ाई में। और यहाँ पे गोश्त की कढ़ाई है, फ्रेश गोश्त है आपके सामने करना चाहते हैं। दो तीन यहाँ पे कढ़ाई बनाई आपके अच्छा इंतजाम किया हुआ है। और ये सामने की दीवार पे जिस तरह कलर अच्छे से बना दिया गया है। बेटा इधर आओ ट्रेन के इधर, हाँ आओ इधर आ जाओ इस साइड। तो जी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इनका मेन्यू, देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो जी हलवा पूरी आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर सैटरडे और संडे सुबह 7 बजे। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस स्टेशन से, और इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह सैलानी का ऑफिस होता है।